हाँ बोलिए। क्वालिटी एजुकेशन की हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर ईजीएस सिस्टम चालू किया गया था। ईजीएस का मतलब है एजुकेशन गारंटी स्कीम, जिसमें हर एक किलोमीटर पे स्कूल खोले गए, लेकिन जो शिक्षक यहाँ पे पदस्थ किए गए वो सभी 12वीं पास होते हैं या फिर इसी के आसपास होते हैं। तो इन लोगों को बच्चों को पढ़ाने में काफी समस्याएं आती हैं, और फिर बच्चों के साथ ये है कि गरीब होने के कारण ये बच्चे पढ़ाई के अलावा भी इन्हें बहुत काम करने पड़ते हैं। कैटल रेजिंग हुआ या फिर उनका और किसी काम में, घर के काम में या खेती में भी लिया जाता है, तो इसके कारण बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं। और दूसरी बात है वुमेन एम्पावरमेंट की, कि यहाँ पे महिलाओं की स्थिति बहुत बुरी है। गरीबी के साथ में महिलाओं के लिए वैसे भी बहुत मुश्किल हो जाती है, गरीब हैं तो उन्हें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। साथ में ये है कि पुरुषों का दबदबा है, पुरुष काम कम करते हैं, महिलाएं काम ज्यादा करती हैं। इसी कारण इलिटरेसी भी है महिलाओं में, महिलाओं का जो लिटरेसी रेट है वो बहुत कम है। और यहाँ पे चाइल्ड मैरिज एक और प्रॉब्लम है, जिसमें कि बच्चों की शादियां बहुत जल्दी कर दी जाती हैं, और यहाँ तक कि बड़े बड़े सम्मेलन करके भी बच्चों की शादियां कर दी जाती हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसमें सरकार भी काफी परेशान है इस चीज से। दूसरा है फार्मिंग के ऊपर, मैं बता रहा था कि यहाँ पे बंजर जमीन है, बहुत बड़ा एरिया है जो कि अराउंड 30% ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज पूरा बंजर, तो वहां पे भी खेती करना बहुत मुश्किल है। और एक खास जाति है जिसे हम कहें तंवर कास्ट है, तंवर लोग अधिकतर इस एरिया में बसे हुए हैं, और ये सब इसी समस्या से जूझ रहे हैं कि लिटरेसी रेट इन लोगों का बहुत कम है, महिलाओं को बहुत समस्याएं हैं यहाँ पे, और साथ में उन लोगों के पास पैसे की भी बहुत कमी है। तो इस सब के लिए कुछ ना कुछ किया जाना जरूरी है, लाइवलीहुड के लिए यहाँ पे काम बहुत जरूरी है। लाइवलीहुड के बगैर कोई अच्छा काम, अगर लाइवलीहुड का नहीं होगा तो ये लोग बहुत पीछे रह जाएंगे।